सचिन सोनी आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय अयोध्या नगरी में हूँ और आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से टूरिस्ट एरिया कहा जाने वाला अयोध्या, आज मैं उसी बस स्टैंड पे हूँ, बस डिपो कहलाने वाला एरिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है, जिस तरह से सरकार लगातार दावा करती रही है कि हम विकास स्तर लगातार रोड का बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं पर यह शहरी जहाँ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है फैजाबाद अयोध्या, आज मैं वहीं पर खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यह नज़ारा आप देख सकते हैं कितना गंदा है। और यहाँ रोड का भी हवाला आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रोड भी सही नहीं है, जिस तरह से लगातार यह बताया जाता है कि हम सारे जो है रोडवेज को सही कर रहे हैं और भी अनेक जो भवन है उसे सही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से तथ्य यहाँ पर नहीं पाया गया। और वहीं पर एक और बताना चाहता हूँ, गंदगी जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर विशेष तौर से यहाँ पर गंदगी देखा गया है। और यहीं पास में एक कॉलोनी है जिसे इलाहाबाद कोर्ट ने भी कह दिया है कि यदि डेंगू होता है तो उसे 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा यदि मरीज जो है एक्सपायर होता है। तो इस तरह से दुर्घटना ना हो, सरकार को जागने की ज़रूरत है। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिस तरह से प्रकोप छा रखा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, यदि हम सावधान हो जाते हैं तो इसके लिए विशेष जो है जानकारी लोगों को हो जाएगी कि जिस तरह से यहाँ पर बीमारियाँ पैदा हो रही है या हमारे ही कारण और आपके कारण हो रही है, तो इसलिए सावधान होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस समय फैजाबाद अयोध्या में हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।